हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। देखो आपको टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन पता है क्या होता है। टॉर्क इज इक्वल टू में डी एल बाय डी टी, टाउ इज टॉर्क एंड एल इज एंगुलर मोमेंटम। ये कहाँ से आया था, हमने ड्राइव भी किया था रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। नहीं तो आप इसको रिलेट करो जो लीनियर में होता था, आपके पास फोर्स इज इक्वल टू में क्या होता था, डी पी बाय डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या था हमारा, न्यूटन का सेकंड लॉ था लीनियर मोशन में। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रोटेशन में क्या आया था आपके पास, एफ की जगह टाओ, और यहाँ पर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम है, यहाँ पर क्या है ये एंगुलर मोमेंटम हो गया। क्लियर है, याद आया कुछ? ठीक है, तो ये कहानी आपकी न्यूटन सेकंड लॉ में थी लीनियर की, यहाँ पर रोटेशन में ये बनती थी, और हमने ये ड्राइव भी किया था कि कैसे आया था। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है कि अगर जो हमारी एक्सटर्नल टॉर्क जो है वो जीरो है, समझ रहे हो, तो कहानी क्या बनती है ये आपके पास, जीरो इज इक्वल टू में डी एल बाय डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है, जीरो है। अब देखो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अगर हम कह रहे हैं जीरो है, मान लो पहले एंगुलर मोमेंटम मान लो फाइव है और थोड़े टाइम बाद भी एंगुलर मोमेंटम फाइव है, समझ रहे हो, तो कोई चेंज तो नहीं हुआ। क्लियर है इतनी बात, जीरो कब आया ये देखो, मतलब क्या होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है हमारा, जीरो है अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। क्लियर है इतनी बात, ये चीजें ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे आप घूम रहे हो अपनी, जैसे आप हो यहां पर, ठीक है, इस तरीके से मान लो आप अपनी जगह पे ही क्या कर रहे हो, ये आपका एक्सिस है, ऐसे घूम रहे हो। ठीक है, तो आप खुद घूम रहे हो ना, कोई आपको घुमा नहीं रहा, समझ रहे, कोई बाहर से घुमा रहा है अगर, तो दैट इज एक्सटर्नल टॉर्क, आप खुद से घूम रहे हो, ये आपकी इंटरनल है। क्लियर है इतनी बात, अगर एक्सटर्नल टॉर्क हमारी जीरो है तो डी एल बाई डी टी है इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जो चेंज है एंगुलर मोमेंटम में वो जीरो है, और अगर चेंज है एंगुलर मोमेंटम में जीरो तो इसका मतलब क्या है, देन एल इज क्या है, कॉन्स्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, मतलब क्या है, कंजर्वड होगा, चेंज नहीं होता। अगर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो आपका जो ये एंगुलर मोमेंटम है ये कॉन्स्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, यानी कि कंजर्वड रहता है। क्लियर इतनी बात, यही चीज यहां लिख रखी है कि अकॉर्डिंग टू दिस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड, क्या रहता है, विल रिमेन कंजर्व्ड इफ नो टॉर्क इज एक्टिंग ऑन इट, अगर कोई टॉर्क उस पर एक्ट नहीं कर रही है, ये क्योंकि हमारा रिलेशन था टॉर्क का एंगुलर मोमेंटम के साथ, तो यहां पर टॉर्क हमने जीरो कर दी तो डी एल बाई डी टी जीरो आ रहा है, तो यानी कि चेंज क्या है, जीरो है। अगर किसी चीज में चेंज जीरो है इसका मतलब क्या है, वो चीज क्या है, कॉन्स्टेंट है, पहले भी मान लो फाइव थी अब भी फाइव है, क्योंकि इनमें चेंज जो है इनका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है, तो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। और वैसे भी आप समझो डी बाई डी टी को हम डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं, किसी चीज की डिफरेंशिएशन जीरो कब होती है, जब वो कांस्टेंट होती है वैल्यू, जैसे हमने कहा कि एक्स एक कांस्टेंट टर्म है तो डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, इसका जीरो हो जाएगा। जैसे हम कहते थे ना फाइव है, फाइव एक कांस्टेंट टर्म है नॉर्मल अगर हम बात करें, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते थे हम डी बाई डी टी ऑफ फाइव करते थे तो हम क्या कहते थे, कांस्टेंट का जीरो होता है, तो यानी कि ये कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसे ही यहां पर एल क्या है, ये कांस्टेंट टर्म आ गया, जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तब ये एल क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट आता है। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ ये चीज क्लियर हो रही होगी आपको, दोनों फंडे से समझो, चेंज हो रहा है, अगर हम कहें चेंज जीरो है तब भी कॉन्स्टेंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि चेंज जिसमें जीरो है इसका मतलब वो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रही। ठीक है, दूसरा हम डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं कि किसी चीज की डिफरेंशिएशन जीरो कब होती है, जब वो वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो यानी कि एल यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो यहां पर स्टेटमेंट में यही बात बोली ना उसने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड कब रहेगा, जब उसके पास नो टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, यानी कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क इसमें एक्ट नहीं करेगी, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है इतनी बात, तो ये हमने यहां पर प्रूफ भी कर दिया इस चीज का। क्लियर, और ये इफ टाउ इक्वल टू जीरो ये कैसे आया हमारे पास, एज पर स्टेटमेंट की कहानी थी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है, देखो इस चीज को समझो, एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा होता है, याद आया ये कुछ, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा रिलेशन किया था हमने किसके बीच में, एक था रिलेशन जल्दी से बताओ, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का रिलेशन अभी ड्राइव किया था हमने। ठीक है, पिछली वीडियोस देख लेना आपको पता चल जाएगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा किया था, कैसे आया था ये सोचो जरा, इसको भी रिलेट करके देखा था हमने कैसे, ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एम वी, वी यहाँ पर क्या है लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पर ये क्या है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, आई और एम हमें पता है ये क्या है, अगर लीनियर में एम काम करता है तो एंगुलर में यानी कि रोटेशनल में कौन करता है, आई करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये हमारा लीनियर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम, ये एम है, यहाँ पर ये आई आ गया, यहाँ वी है, यहाँ पर क्या आ गया ओमेगा आ गया, ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है वैसे, ये मैंने आपको रिलेट करके बताया सिर्फ। ठीक है, तो एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा यानी कि ये भी कॉन्स्टेंट होगा, क्या इतनी बात क्लियर है, इसका मतलब क्या है अब यहाँ पर कि अगर ये वाला आई जो है जैसे आई ओमेगा है ठीक है, और ये है एल, जैसे हम कहें कि एल की वैल्यू है 20, ठीक
ठीक है, ये कैसे आई होगी, मान लो ये 5 है और ये 4 है, ठीक है, इस तरीके से आई होगी ये 20। अब हम कह रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। अगर आप आई इंक्रीज कर रहे हो, मान लो आप आई इंक्रीज कर रहे हो, आई इंक्रीज हो रहा है मान लो 10 का हो रहा है, ठीक है, तो ये ओमेगा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या रहना है, 20 ही रहना है, क्या इतनी बात समझ रहे हो। और अगर आप मान लो आई को कम कर देते हो, मान लो आई आप कितना 2 कर दो, तो ओमेगा अपने आप इंक्रीज करेगा, 10 होएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो क्या रहनी चाहिए, 20 ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये एल क्या है, कॉन्स्टेंट है। कितनी बात समझ में आई। अब यही कहानी के ऊपर इसकी सारी एप्लीकेशन है, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। तो एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा की कहानी चल रही है और ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम अगर बात करें बैलेट डांसर की और फिर हम बात करेंगे डाइविंग ऑफ स्विमर की, ठीक है, ये मैं आपको कहानी इसमें समझाता हूँ। देखो बैलेट डांसर की, देखो जैसे ये है आपके पास, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर बैलेट डांसर है, ठीक है, ये क्या कर रही है, देखो एक्चुअल में क्या कर रही है ये, देखो यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, यहाँ पर ये देखो रोटेशन हो रही है इसकी, ठीक है, रोटेशन हो रही है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर। लेकिन यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, अपने हैंड्स को क्या किया हुआ है, देखो स्ट्रेच किया हुआ है ना, और यहाँ पर क्या किया हुआ है, ऐसे फोल्ड किया हुआ है, दोनों केस अलग हैं। देखो हमें पता है इनर्शिया जो होता है हमारे पास, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वेयर, ठीक है, यानी कि आई जो है किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर, क्लियर, आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब यहां पर देखो अगर इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, ठीक है, तो यहां से ये वाला आर देखो इसने अपना इंक्रीज करा, अगर ये आर इंक्रीज करा इसने तो ऑब्वियस सी बात है इसका ये आई भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है इतनी बात। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। अब यहाँ आई इंक्रीज कर गया, ये आई इंक्रीज कर गया, तो ओमेगा क्या करेगा, यहाँ पर डिक्रीज करेगा, यानी कि अब इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अपनी एंगुलर स्पीड को कम करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, और जब इनको अपनी एंगुलर स्पीड बढ़ानी होती है तो ये क्या करते हैं, अपने हैंड्स को फोल्ड करते हैं। देखो कैसे, इसमें भी देखो हमें पता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है, यानी कि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है। अब देखो जरा यहाँ पर इसने फोल्ड क्यों किया, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये वाला आर जो है देखो कम हो गया एज कम्पेयर टू दिस, तो ये आर क्या हुआ है, कम हुआ है, तो आई भी क्या हो गया आपका, कम हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, क्लियर। अब एल इज इक्वल टू में क्या होता है, आपको पता है आई ओमेगा होता है, ठीक है। अब आई कम हो गया तो ऑब्वियस ही बात है ये ओमेगा क्या होगा, अब इंक्रीज होगा, ये इतनी बात समझ, क्योंकि एल तो कांस्टेंट है, अगर आई कम हुआ है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, क्योंकि उसने तो वैल्यू अपनी कांस्टेंट देनी है एल ने, तो यहां पर स्पीड क्या कर रही है, एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, या एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहां पर इनर्शिया कम हुआ, और इनर्शिया कम क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपने हैंड्स को फोल्ड किया, इसका आर कम हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्लियर है इतनी बात। यही कहानी हमने यहां पर भी लिखी हुई है, देखो क्या कहता है, अ बैलेट डांसर फोल्ड्स फोल्डेड हर हैंड्स वाइल टेकिंग टर्न इट, मतलब वो फोल्ड करती है, यहाँ पर ये वाली कहानी है, हर हैंड्स वाइल टेकिंग टर्न इट, एंड इट इज़ ड्यू टू द रीजन दैट बाय डूइंग दिस रेडियस विल डिक्रीज, देखो मैंने अभी बताया आपको ये रेडियस डिक्रीज करेगी, एंड ड्यू टू विच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल ऑल्सो डिक्रीज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी डिक्रीज करेगा यहाँ पर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, ठीक है, एंड टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट, अब एल कॉन्स्टेंट रखना है उसको अगर, तो आई डिक्रीज हुआ है तो ओमेगा इंक्रीज करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था, अगर ये आई डिक्रीज हुआ था, 2 हुआ था, तो ओमेगा इंक्रीज कर गया 10 से, जैसे हमने बात की थी ना 5 और 4 था 20 था, तो आई डिक्रीज करा 2 हुआ, तो ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा 10 ताकि वही वैल्यू आई, तो वही कहानी है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यही लिख रखा है कि टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा हैज़ टू इंक्रीज, क्लियर है इतनी बात, तो ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज करेगा, देयरफॉर शी कैन टेक टर्न इजिली, तो वो इजिली टर्न भी ले रही है और स्पीड भी बढ़ रही है उसकी, क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। तो इसका वाइस वर्सा ये वाली कहानी भी लिख सकते हो आप कि जो ये अपने हैंड्स को स्ट्रेच करती है ताकि इसकी एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, वो क्यों, क्योंकि आई और एम आर स्क्वेयर के बीच का रिलेशन आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आर इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होगा, आई इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा फॉर द कॉन्स्टेंट एल, क्लियर है, ये बात भी आप इसमें कहानी लिख सकते हो, ठीक है, बात इतनी बताओ। उसके बाद हम बात करते हैं देखो डाइविंग ऑफ स्विमर की, ठीक है, डाइविंग ऑफ स्विमर को भी देखो इस पिक्चर से समझते हैं। देखो ये स्विमर है, ठीक है, अब ये यहाँ पर तो मान लो इस तरीके से बनाया हुआ है ये, ठीक है, नहीं तो आपको पता है यहाँ पर क्या होते हैं डाइविंग वाले, क्या होते हैं पैनल्स बने होते हैं जिन पर ये जंप करके इस तरीके से कूदते हैं, ठीक है। अब ये इसमें होता क्या है, देखो समझो डाइविंग ऑफ स्विमर की कहानी देखो, अब ये यहाँ से ऐसे कूदता है, इसको टर्न लेना है, ठीक है, तो ये जब टर्न लेगा इजिली टर्न ये कैसे ले सकता है, सोचो जरा। अब देखो ये यहाँ पर इस अगर हम इसकी बात करें ये वाले की, ठीक है, इसने अपने जब कूदते हुए अपने आप अपना जो ये सर है नीज के पास ले आया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लिया अपने शरीर को, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, देखो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जैसे हम कहें ये है आपके पास यहाँ पर, जैसे
यहाँ पर ये देखो ये वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है, तो ये बनेगा इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये वाला आर इसका देख लो क्या हो गया, कम हो गया, आर कम हुआ। देखो आर क्या हुआ इसका, कम हुआ। अगर यहाँ के हम कंपैरिजन में देखें इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, तो ये वाला आर इसका ज़्यादा है और यहाँ पर देखो तो आर कम है, समझ रहे हो। तो हमें पता ही है आई का क्या होता है, एम आर स्क्वेयर। तो जो आर है वो कम हुआ तो आई भी क्या होगा, कम होगा। और एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा से, आपको पता है ये कि अगर आई कम हो रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से ये टर्न इजिली ले पा रहा है, यहाँ पर हवा में क्या कर रहा है, टर्न इजिली ले पा रहा है, समझ पा रहे हो बात। और जब ये बिल्कुल पानी के पास पहुँचा फिर से इसने अपने स्ट्रेच कर लिया। अब स्ट्रेच करने से क्या हुआ, जैसे आप देखो इसमें स्ट्रेच करने से, जैसे मान लो ये वाला पार्ट देखें हम इसमें, ठीक है, तो स्ट्रेच करने से क्या हुआ, इसका आर इसने बढ़ाया अपना, आर बढ़ाने से क्या हुआ, अगेन आर बड़ा बढ़ गया इसका, मान लो इस तरीके से आर बढ़ा दिया तो आई भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो अभी यहाँ पर टर्न नहीं है, समझ रहे हो इतनी बात। तो एल कॉन्स्टेंट के लिए ये कहानी चलती चलती है इसमें, जिस तरीके से हमने समझाए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात आपको, ठीक है। अब देखो जरा इसमें भी यही बातें हमने लिख रखी है, यहाँ पर देखो क्या कहते हैं, डाइविंग ऑफ सीमर में अ सीमर है व्हेन डाइव फ्रॉम द डाइविंग पैनल, डाइविंग पैनल से करता है जब, तो फोल्डेड हिज बॉडी व्हेन ही हैज टू टेक टर्न इन एयर, जब उसे टर्न लेना है एयर में तो वो फोल्ड करता है अपनी बॉडी को। एंड इट इज ड्यू टू द रीजन दैट बाई डूइंग दिस रेडियस विल डिक्रीज, तो रेडियस विल डिक्रीज, ये मैंने आपको बताई थी कहानी, ठीक है। दोबारा से जैसे यहाँ पर बताऊँ मैं आपको, ये देखो इधर आई इज इक्वल टू में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वेयर है ना, उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसने क्या कहा, जब उसने फोल्ड कर लिया तो आई और आर का हमें पता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो अगर आर इन जो है डिक्रीज कर रहा है तो आई भी डिक्रीज करेगा। और एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा से हमें ये चीज़ पता चल रही थी कि आई डिक्रीज करता है तो ओमेगा इंक्रीज करता है, उसकी वजह से क्या होगा, वो ईजिली टर्न लेगा, यही लिख रखा है। रेडियस विल डिक्रीज देयर फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज, ठीक है, एंड टू कीप एल कॉन्स्टेंट ओमेगा विल इंक्रीज, ओमेगा विल इंक्रीज एंड दस ही टेक टू टर्न ईजली, ठीक है। एंड बिफोर लैंडिंग ही ओपन हीज आर्म्स एंड लेग्स, ऑब्वियस ही बात है आर्म्स भी और लेग्स भी ओपन कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बाई डूइंग दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज, ऑब्वियस ही बात है आर इंक्रीज कर गया उसका, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इंक्रीज कर गया, देखो इस केस में क्या हो रहा है, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जैसे मान लिया हमने इसमें, ठीक है, आर इंक्रीज कर गया, आई भी इंक्रीज किया, तो आई इंक्रीज किया तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा फॉर द कॉन्स्टेंट एल। तो यही लिख रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल इंक्रीज देयरफॉर ओमेगा विल डिक्रीज, ओमेगा डिक्रीज करेगा एंड दिस दस ही कैन लैंड सेफली, क्योंकि टर्न होगा नहीं अब तो ईजिली लैंड करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ समझ में आ गई होगी कहानी, ठीक। तो ये थी एप्लीकेशन, जैसे इसी तरीके से हम जैसे इसमें क्वेश्चन हैं हमारे पास, जैसे आइस स्केटर होता है, ठीक है ना, जो स्केटिंग करते हैं आइस में, ठीक है, तो वो भी सेम वैलिड आंसर वाली सेम इसमें कहानी चलेगी। जैसे क्वेश्चन आपके पास अगर आ जाए इसमें किस तरीके से, जैसे वो कहते हैं एन आइस स्केटर फोल्ड हिज आर्म्स टू इंक्रीज हिज एंगुलर स्पीड, जैसे यहाँ पर वैलिड आंसर में किया था, फोल्ड करते हैं हैंड्स को, ठीक है, ताकि क्या हो उसकी स्पीड इंक्रीज करे, एंड स्ट्रेचेज हिज आर्म्स टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड वाई, ये कहानी कह रहा है। तो ये सब भी मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे अब इसको भी इस तरीके से ही समझ लो, जैसे इसकी बात कर रहा है देखो आइस स्केटर की, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो उसने क्या कहा कि जब वो फोल्ड करता है हैंड्स को, स्केटर फोल्ड हिज आर्म्स टू इंक्रीज हिज एंगुलर स्पीड, जब फोल्ड करता है, फोल्ड वाला ये केस है, ठीक है। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है इसमें आपके पास, ये देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है इसका, ठीक। अब यहाँ से ये आर इसका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, देखो आई इज इक्वल टू में क्या होता है हमारा एम आर स्क्वेयर में, आर क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो आई भी क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा, कॉन्स्टेंट टर्म में हमें पता है कि एल कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा था कि आई क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ओमेगा इंक्रीज करता है, यानी कि एंगुलर स्पीड क्या करती है, इंक्रीज करती है, क्लियर है, फॉर द कॉन्स्टेंट एल, ये कहानी है। रीज़न पूछ रहा है वो तो ये हमने बता दिया, ठीक है। अब इसी में ही अगर वो क्या बोल रहा है आपको कि स्ट्रेचेज हिज आर्म्स टू डिक्रीज हिज एंगुलर स्पीड, अब देखो इसने क्या किया, अपनी लेग को भी देखो ऐसे स्ट्रेच किया और अपनी आर्म्स को भी स्ट्रेच किया, तो ये इसका एक्सिस ऑफ जो है रोटेशन है, तो ये आर देखो ये वाला इंक्रीज कर गया। तो अगर हम यहाँ से ही कहानी देखें आई इज इक्वल टू में एम आर स्क्वेयर से, तो आर क्या कर रहा है हमारा इंक्रीज कर रहा है, तो आई भी इंक्रीज करेगा। और एल इज इक्वल टू में क्या है हमारा आई ओमेगा, तो यहाँ पर आई अगर इंक्रीज कर गया तो ओमेगा क्या करेगा डिक्रीज करेगा, तो यहाँ एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये रीज़न है इसका फॉर द कॉन्स्टेंट एल, क्लियर है इतनी बात। तो ये जैसे बैलेंस आंसर में था वही सेम ही कहानी इसमें लिखनी है, ठीक है, लेकिन आइस स्केटर से आ गया ये। तो ये देखो यहाँ पर हमने यही चीज़ें लिख रखी हैं कि अगर हम स्ट्रेचिंग वाला पहले ले लें कि बाई स्ट्रेचिंग द आर्म डिस्टेंस ऑफ द आर्म्स फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी, अगर आप यहाँ पर इस तरीके से बनाना भी चाहो
ठीक है, इस तरीके से। तो स्ट्रेचिंग है ना, स्ट्रेचिंग आर्म से ये कर दो, तो ये इस तरीके से आप बना सकते हो। तो ये आर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज, दस द आई ऑल्सो इंक्रीजेज, ये आपको पता है, ठीक है ना। कहाँ से भी पता है आपको, आई इज़ इक्वल टू में एम आर स्क्वेयर वाली कहानी से पता है कि अगर हमारा जो है आर इंक्रीज कर रहा है तो आई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बट देर इज़ नो एक्सटर्नल टो, कोई बाहर से तो नहीं घुमा रहा उसको, वो खुद से ही घूम रही है, ठीक है। सो द टो इज़ जीरो एंड एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हमें पता है। तो आई इंक्रीज किया था, यह हमें पता चला। तो आई इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी एंगुलर स्पीड यहाँ डिक्रीज हो रही है इस वजह से, ठीक है। सेम चीज़ आप बोल सकते हो फोल्ड वाले में भी, कि वैन ही फोल्ड हिज आर्म्स, तो आर क्या करता है, डिक्रीज करता है उसके में, एंड आई डिक्रीज, तो आर डिक्रीज तो आई भी डिक्रीज करेगा। और अगर आई डिक्रीज कर रहा है, एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा से हमें पता है, अगर आई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो ओमेगा क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब एंगुलर स्पीड उसकी यहां पर बढ़ती है, क्लियर। तो ये रीजन है, क्लियर है। अब देखो इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाली कहानी, क्या कहता है, व्हाट हैपेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स कीपिंग इट्स मास कॉन्स्टेंट। मतलब ये क्या कह रहा है, देखो आपको पता है कि दिन और रात वाली कहानी कैसे होती है। आपको पता है एक तो ये सन के ऑर्बिट में घूमती है जब अर्थ, तब तो ये पूरा ईयर होता है ना, आपको पता है ये 365.25 डेज इसको लगते हैं, ये चीज़ कहानी आपको पता है या नहीं पता बताओ, ठीक है। लेकिन जब ये अपने एक्सिस पे घूमती है, अपने एक्सिस पे भी तो घूमती है, तो दिन रात होते हैं। अपने एक्सिस पे इसका जो टाइम पीरियड है घूमने का, वो क्या है, 24 आवर्स का है, क्लियर। तो जो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन में देखो टाइम पीरियड जो है हमें पता है 24 आवर्स का होता है अर्थ का, ठीक है, डे नाइट वाला, क्लियर। ये तो कहानी पता है आपको, ठीक। तो वो यही कह रहा है आपसे कि ड्यूरेशन ऑफ द डे, व्हाट हैपेंस टू द ड्यूरेशन ऑफ द डे इफ अर्थ सडनली कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो जैसे अर्थ है, हम अर्थ बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है, अर्थ है ये अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है, और इसका जो आर है वो ये है। अब सडनली उसने क्या कहा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई मतलब क्या हुआ, ये इस तरीके से बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट हो गई मान लो, ठीक है। तो अब इसका जो ये आर है ये कम नहीं हो गया, अगर आर हमने कहा इसका कम हो गया तो इसका मतलब हम अगर देखें यहाँ पर आई इज इक्वल टू में जो होता है, देखो वैसे तो ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगी कहानी, लेकिन फिर भी हम नॉर्मल वाली बात करें अगर, तो ये एम आर स्क्वेयर होता है। तो इसमें देखो ये मैंने इसीलिए बता दिया, इसका फॉर्मूला अलग है, वो हम बताएंगे आगे कि क्या होता है स्फीयर का, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ आर से मतलब है, वहाँ भी फॉर्मूले में भी आर स्क्वेयर ही होता है, तो इस वजह से हमने नॉर्मल वाला इनर्शिया जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका फॉर्मूला लिख दिया कि आई यहाँ पर क्या हो रहा है, आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आर डिक्रीज तो आई भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, और एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट एक्स, क्योंकि देखो अर्थ को भी कोई बाहर से नहीं घुमा रहा, समझ रहे, नेचुरल फिनोमेना की वजह से घूम रहा है, कोई बाहर से आके थोड़ी घुमाने लग गया उसको, और अपने नेचुरल फिनोमेना की वजह से घूम रही है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा है, क्लियर। अब आई ओमेगा जब हम बात कर रहे हैं, और एल क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है इसमें भी, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, जीरो है, तो ये क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी टर्म। तो ये कॉन्स्टेंट कैसे, अब आई तो डिक्रीज कर गया, क्योंकि आर डिक्रीज कर गया तो आई भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, तो आई जो है हमारा डिक्रीज कर गया अगर, तो ओमेगा क्या करेगा बताओ जरा, ओमेगा इंक्रीज करेगा, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है, ओमेगा इंक्रीज कर गया यानी कि ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, इसी को मैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलता हूँ। तो ये मुझे पता है 2πf होता है, अब f की तो कहानी नहीं है, 2π/f को हम लिख सकते हैं 1/t, तो ये आएगा। तो ओमेगा का जो रिलेशन है टी के साथ वो क्या है, ओमेगा का रिलेशन क्या है टी के साथ, जल्दी से बताओ, इन्वर्सली का। तो यानी कि यहाँ पर ओमेगा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा जी, घट जाएगा, समझ रहे हो। तो टाइम पीरियड घटेगा, यानी कि पहले 24 आवर्स था, तो अब जो टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, 24 आवर्स से लेस रहेगा। तो यही लिख रखा है, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लेस देन 24 आवर्स, क्लियर है। अब यही क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज हो क्या जाता, कॉन्ट्रैक्ट्स की जगह क्या आ जाता है, एक्सपेंड आ जाता। तो एक्सपेंड के केस में क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पहले आर है, अब एक्सपेंड हो गई, ये हो गया कहानी, आर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर आर इंक्रीज कर रहा है तो आई भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इस वाले केस से अगर आई इंक्रीज कर रहा है, एल इज इक्वल टू में आई ओमेगा से, अगर आई इंक्रीज कर रहा है तो ओमेगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ओमेगा का रिलेशन क्या है टाइम पीरियड के साथ, 1/t, तो यहाँ पर ओमेगा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, 24 आवर से ज़्यादा का हो जाएगा ड्यूरेशन ऑफ द डे, क्लियर इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं, तो ये मैंने आपको कहानी समझाई, तो यहाँ पर लिख भी रखा है इसका आंसर, ड्यूरेशन ऑफ द डे इज लेस देन 24 आवर्स, ये मैंने सारी आपको बताई बात कि कैसे, क्लियर। तो ये था आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की कहानी, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशंस और कुछ इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। कर लोगे इसको, ओके जी, थैंक यू।